नमस्ते और स्वागत है आपका योगी सत्व में। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि हम ओवरवेट हैं, यानी कि जो हमारा वजन है ज़रूरत से ज़्यादा है। दो तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है BMI बॉडी मास इंडेक्स, उसको कैलकुलेट करके, और दूसरा होता है वेस्ट सरकमफेरेंस, जिसको हिंदी में कमर की चौड़ाई भी कहते हैं। इन दो पैरामीटर्स को पता करने से आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी बॉडी को वेट लूज़ करना चाहिए या वेट गेन करना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं BMI की, जिसको बॉडी मास इंडेक्स कहा जाता है। आसानी से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है calculator.net, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी। उस लिंक पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक फॉर्मूला खुल जाएगा जिसमें आपको चार चीज़ें भरनी हैं। सबसे पहले आप भरेंगे अपनी एज यानी कि उम्र, जो ईयर्स में होती है। दूसरा हो गया आपका जेंडर यानी कि लिंग, मेल या फीमेल। मेल और फीमेल की बॉडी बहुत अलग होती है, इसलिए इस फॉर्मूला में आपका लिंग कंसिडर किया जाता है। तीसरा हो गया आपकी लंबाई, तो अगर आपको अपनी लंबाई फीट में पता है तो उसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वेबसाइट पे आपको करना है उसमें लंबाई सेंटीमीटर में मांगते हैं, जो आप गूगल पे जाके इजीली कर सकते हैं। आप अगर टाइप करेंगे फीट टू सेंटीमीटर तो आ जाएगा, जिसमें आप अगर फीट डालेंगे तो सेंटीमीटर में आपकी हाइट कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर जो चौथी चीज़ है वो है आपका वज़न। ये वज़न आपको केजी में पता होना चाहिए। वज़न भी लेने का एक सही तरीका ये होता है कि जब आप सुबह उठते हैं पानी पीने से पहले और फ्रेश होने के बाद, जो वज़न होता है वो आपका एक्यूरेट वेट होता है, वो वज़न आपको भरना है। ये चारों चीज़ें जब आप फॉर्मूला में भरते हैं और सबमिट करते हैं तो एक नंबर आता है, ये नंबर कहलाता है BMI। स्क्रीन पर मैंने जो रेंज दी हुई है उसमें आप अपने BMI को मैच कीजिए। अगर 18.5 से आपका वज़न कम है, इसका मतलब आप अंडर वेट हैं। अगर आपका BMI 18.5 से 24.9 के बीच में कहीं आता है, इसका मतलब नॉर्मल रेंज है, आपका वेट हेल्दी है। ना आपको बढ़ाने की ज़रूरत है ना आपको घटाने की ज़रूरत है, लेकिन इसी BMI के अंदर आपको रहना है। फिर बात करते हैं ओवरवेट की। अगर आपका BMI 24.9 से 30 के बीच में कहीं आता है तो आप ओवरवेट हैं। इस केस में आप थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क की तरफ हैं, यानी कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो सिचुएशन है वो ओवरवेट से ओबेसिटी में आता है। ओबेसिटी का मतलब हुआ अगर आपका BMI 30 या 30 से अधिक है। अब ओवरवेट और ओबेसिटी में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। जब हम ओवरवेट होते हैं तब हमारा वेट पानी का भी हो सकता है, हमारे फैट का भी हो सकता है, हमारे मसल बोन डेंसिटी ये सब। पर अगर आप ओवरवेट से ओबेसिटी की केस में पहुंच गए हैं तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम वज़न है वो आपकी अतिरिक्त चर्बी की वजह से है, यानी कि फैट की वजह से है। तो ये बात हो गई BMI की, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। अब बात करते हैं दूसरे पैरामीटर की, जिसको कहा जाता है वेस्ट सरकमफेरेंस, यानी कि कमर की चौड़ाई। इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आगे आपको अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। अगर आप महिला हैं तो आपकी जो वेस्ट सरकमफेरेंस है वो 35 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब आप रिस्क मोड में आने लगते हैं। इसी तरह से पुरुषों के केस में 40 इंच से ज़्यादा आपकी वेस्ट सरकमफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि वेस्ट सरकमफेरेंस का हमारे वजन पर क्या रोल है। जो भी चर्बी हमारे इस हिस्से में इकट्ठी होती है उसका इम्पैक्ट हमारे बहुत ज़रूरी जो ऑर्गन्स होते हैं उन पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारी किडनीज होती हैं, हमारी इंटेस्टाइंस होती हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सारे ऑर्गन्स यहीं पर होते हैं। तो ये जो फैट है वो हमारी स्किन, हमारी त्वचा के अंदर जमना शुरू होता है, और फिर जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो यही फैट हमारे ज़रूरी ऑर्गन्स के ऊपर शुरू हो जाता है। तो जो स्किन में फैट होता है वो इतना डेंजरस नहीं होता है, जिसको कहा जाता है सब क्यूटेनियस फैट। लेकिन जो फैट हमारे ऑर्गन्स के ऊपर आता है, जिसको विसरल फैट कहा जाता है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। विसरल फैट से मेरा मतलब हुआ कि ये वो चर्बी है जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जैसे किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, हमारा स्टमक हो गया, उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, वो अच्छे से काम नहीं करती। और यही कारण है कि ये जो फैट हमारा वेस्ट के अराउंड इकट्ठा होता है, ये डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऐसी बीमारियों का बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स है। कमर की चौड़ाई निकालने के लिए हिप बोन के बिल्कुल ऊपर जो जगह होती है वहाँ पर आपको मेजरिंग टेप लगाना है। आपको सांस अंदर लेनी है, फिर छोड़ने के बाद आपको ये टेप अपनी कमर के आसपास लगाना है। अपनी जो नेवल होती है, नाभि होती है, उसके ऊपर से भी आप फीता लगाएंगे तो वेस्ट की कैलकुलेशन अच्छे से आ जाएगी।
दोनों चीज़ें कैलकुलेट कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर पूछिए। आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।